डेढ़ घंटे से जायद के इंतजार के बाद जब ये इजलास शुरू हुआ तो वहाँ मौजूद मेहमानों की गैलरी में मौजूद मेहमानों ने कुछ बदमजगी भी की है। यही कहा जा रहा है, जिस तरह की हमने आपको दिखाया, कि वहाँ मौजूद मेहमानों ने दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े और उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसकी वजह ये बताई गई थी कि मेहमानों के लिए पासेस ज़्यादा जारी कर दिए गए हैं। जो अरकान स्टेट असम्बली मुंतखब हुए हैं, तकरीबन हर मेंबर अपने साथ सात या आठ अफराद अपने अपने हल्कों से इलाकों से लेकर आए हैं बतौर मेहमान, तो ये पासेस उनके ज़्यादा जारी कर दिए गए थे, गुंजाइश कम थी, अंदर बैठने की जगह कम थी, लिहाजा अंदर दाखिल होने की कोशिश की इन अफराद ने। इनका ताल्लुक किन सियासी जमातों से था इसका बाकायदा तौर पर अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन कुछ थोड़ी देर के लिए ये बदमजगी का वाकया पेश आया। बहरहाल मुकम्मल तौर पर आज सुबह सूरत हाल काबू में रही, सुबह से ही मुख्तलिफ अरकान सिंध असम्बली आना शुरू हो गए थे, जिसमें एम क्यू एम की रहनुमा बिलकीस मुख्तार, शुएब बुखारी, एम क्यू एम के रुकन सिंध असम्बली अनवर आलम, रऊफ सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम जमीलुज़्ज़मा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अब्दुल रजाक रामू, जबकि पीपल्स पार्टी के पीर मजहरुल हक शामिल हैं। ये तमाम अफराद मौजूद हैं और इस मौके पर मुतवक्के वज़ीर आला सिंध के मुतवक्के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह, जबकि मुतवक्के स्पीकर मिसार खोड़ो असम्बली हॉल में मौजूद हैं। एक